यो दोस्तों, वेलकम टू ऑटो टॉपिक्स। मैं ट्रेविस आज आपको लाया हूँ टीम रवांडा पे। आज हम देखेंगे एक्टिवा 6G। जी हाँ, ये वही स्कूटर है अपना इंडिया का राज दुलारा स्कूटर। पूरे इंडिया में जब कभी किसी को स्कूटर लेने का मन करता है, कोई किसी राय लेता है कि यार मैं कौन सा स्कूटर ले लूँ, तो सबसे पहले मुंह पे यही निकलता है एक्टिवा। तो जी हाँ दोस्तों, होंडा ने लॉन्च कर दी नई एक्टिवा 6G। पर जहाँ तक मेरी राय है, मुझे ऐसा लगता है कि अब होंडा ने इस स्कूटर को थोड़ा कमर्शियल बेसिस कर दिया है। वो प्रीमियम वाली बात अब इसमें रही नहीं। जो हमारा यूथ थोड़ा स्टाइल मांगता था, प्रीमियमनेस आती थी इसमें पहले, अब वो शायद कहीं मिसिंग है। अब वो सारे फीचर्स इसमें से हटा के एक्टिवा 125 में कर दिए हैं। ना ही इसमें हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं, ना ही डिस्क ब्रेक मिलती है। तो मुझे लगता है यूथ के लिए बेटर ऑप्शन शायद एक्टिवा 125cc है। अगर आप देखना चाहते हैं एक्टिवा 125cc कैसी लग रही है, तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको फैंसी स्टफ पसंद नहीं आता, आपको चीज़ चाहिए ड्यूरेबल और मजबूत, तो जी हाँ यही है वह चीज़। ये स्कूटी नहीं है दोस्त, ये है ब्रांड। इंडिया में एक्टिवा एक ब्रांड है, एक्टिवा 6G। टॉप स्पीड ये दो बंदों को बैठा के 85 किलोमीटर पर आर पे चल सकता है। इसमें हमें मिल जाएंगे 6 कलर ऑप्शंस: ग्रे, रेड, ब्लू, येलो, व्हाइट एंड ब्लैक। कब वेट इसका 107 किलोग्राम है। फ्रंट टायर 90mm वाइड मिलेगा, रियर टायर हमें 100mm वाइड मिलेगा। दोनों टायर्स ट्यूबलेस हैं, दोनों ही टायरों में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी, डिस्क किसी में नहीं मिलेगा। टैंक कैपेसिटी हमें मिल जाती है 5.3 लीटर्स की। सीट हाइट हमें मिल जाएगी 765mm की। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा। मल्टी फंक्शन यूनिट मिल जाता है इसमें, शटर की के साथ में, फ्यूल और अंडर सीट स्टोरेज के बटन के साथ में। सीट लेंथ हमें मिल जाती है 692mm की। फैन कूल फोर स्ट्रोक SI इंजन 109cc में मिल जाता है। ये स्कूटर हमें पावर निकाल के देता है 5.73 kW एट 8000 rpm। टॉर्क मिल जाता है हमें 8.79 Nm एट 5250 rpm। किक स्टार्ट एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों ही फीचर्स हमें मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिलेगी 171mm की। मैं मेंशन करना चाहूँगा, बेस्ट इन द क्लास ग्राउंड क्लियरेंस है ये। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे और रेयर में 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलेगा। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग सिस्टम मिल जाता है। अब हमें स्कूटर स्टैंड पर लगा के उतर के सीट खोल के फिर पेट्रोल डलाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे हम पीछे से डला सकते हैं। बैटरी हमें 3.0 AH की मिल जाती है। हेडलैम्प हमें LED मिल जाता है। डीलक्स मॉडल में LED हेडलैम्प मिलता है, स्टैंडर्ड मॉडल में हेलोजन बल्ब मिलते हैं। होंडा एक्टिवा में ये दो ही मॉडल आते हैं, डीलक्स और स्टैंडर्ड। दोनों में सिर्फ यही अंतर है LED हेडलैम्प का बस। इसका इंजन हमें ESP टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, जो देता है हमें साइलेंट स्टार्ट का फीचर, और इसकी वजह से 10% ज़्यादा माइलेज भी मिलता है, जो हो जाता है 55 किलोमीटर प्रति लीटर का। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिल जाती है हमें। स्टैंडर्ड मॉडल के प्राइस है 76,253 rupees और जो डीलक्स मॉडल है LED लाइट वाला, वो हमें मिल जाता है 77,890 rupees का। बस यही 1,000-1,500 रुपये का फ़र्क है LED लाइट के लिए। बाकी दोनों मॉडल पूरे मुझे सेम लगते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये होंडा का नया फैसला कैसा लगा, सही या गलत। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।